टॉप फाइव बेस्ट लैपटॉप इन 2021 अंडर 40,000। तो भाई अगर आपका बजट 40,000 है, 40,000 के बजट में आप टॉप फाइव लैपटॉप जानना चाहते हो कि कौन से, तो वीडियो आपके लिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नंबर फाइव की। नंबर फाइव की बात करूं, नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है HP 14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले यार मुझे बहुत ऐसे बंदे मैसेज करते हैं जिनको HP का ही लैपटॉप चाहिए होता है या जिनको डेल का ही लैपटॉप चाहिए होता है। अगर आप भी उनमें से आते हो भाई, अगर आपको भी डेल का लैपटॉप चाहिए या HP का ही लैपटॉप चाहिए, आपके लिए बहुत तगड़ा लैपटॉप होने वाला है। बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले ये दो कलर्स में देखने को मिलता है, सिल्वर कलर एंड ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर में ज़्यादा सूट करता है। एंड आपको डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ, आपको 60 रिफ्रेश रेट के साथ इसकी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एवरेज है। आप इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 40,000 के बजट में कि आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी मिलेगी। उसके बाद हम बात करें, इसमें आपको i3 देखने को मिलेगा, 10th जनरेशन के साथ भी देखने को मिल जाएगा, 11th जनरेशन के साथ भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख लेना, अगर आपने 10th जनरेशन की और जाना है उसका प्राइस थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, अगर आपने 11th जनरेशन की और जाना है उसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप 16GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती है, जो कि प्लस पॉइंट आ जाता है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको MS ऑफिस मिल जाता है 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूं, आपको 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बातों को 40,500 के बजट में HP 14 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया HP 14 के। तो प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आपको बाइंग लिंक चाहिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मैंने और भी आपको जो लैपटॉप है वो बहुत सजेस्ट किए हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार आप चेकआउट कर लेना, आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। अभी आगे बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूं, नंबर 4 पर यार मैंने रखी है MI नोटबुक 14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले यार ये 2020 में बहुत बिकिया, बहुत लोगों ने पसंद किया, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी, उसके बाद इसका टच पैड एंड ट्रैक पैड भी बहुत ज्यादा सही है। भाई अगर आप डाटा एंट्रीज करते हो या आपका कोई ऑफिस के रिलेटेड काम ऐसा है कि आपको ज्यादा ही लोडेड फाइल पे काम करना पड़ता है, ज्यादा ही टाइपिंग करनी पड़ती है, आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस इसके स्पेसिफिकेशन बहुत लोडेड है, मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूं, आपको पता चल जाएगा। तो MI नोटबुक 14 के स्पेसिफिकेशन की बात करूं, डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एंटी ग्ले डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करूं, इसमें आपको i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, इसमें आपको इंटेल UHD ग्राफिक भी मिल जाता है, इसमें आपको MX 3502 GB के साथ भी देखने को मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका प्राइस आपको 47,000 के बजट में देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो, विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं, आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है, प्लस आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस आपको 41,000 के बजट में MI नोटबुक 14 देखने को मिल जाएगी। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया MI नोटबुक 14 के। अभी मैं इसके प्लस पॉइंट की भी बात करता हूं, अभी मैं इसके माइनस पॉइंट की भी बात करने लगा हूं। तो प्लस पॉइंट की सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले इसका जो बैटरी बैकअप है आपको वो बहुत तगड़ा मिल जाता है, आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है ये लैपटॉप, जो कि किसी और लैपटॉप में आपको नहीं देखने को मिलेगा। प्लस इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत तगड़ी मिल जाती है, एज कंपैरिजन किया जाए मैं जो भी आपको लैपटॉप बता रहा हूँ। उसके बाद हम इसके माइनस पॉइंट की अभी बात करते हैं। माइनस पॉइंट इसका ये देखने को मिलता है कि आपको 8GB रैम तो मिल जाती है, लेकिन आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, 12GB तक भी नहीं मिलता। सो दैट्स वाई इसको मैंने नंबर 4 पर रखा, और कोई भी रीज़न नहीं है। अगर इसका जो रैम है एक्सपेंडेबल करने का ऑप्शन मिलता तो यार मैं इसको नंबर 1 पर या नंबर 2 पर ही रखने वाला था, बिकॉज लैपटॉप पूरा लूटेड है। अभी आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूं, नंबर 3 पर यार मैंने रखा है लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले भाई अगर आपका बजट कम है आपके लिए बहुत सही होने वाला है, आपको 37,000 के बजट में ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। सो दैट्स वाई मैंने इसको नंबर 3 पर रखा, बिकॉज बजट बहुत सही है, उसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े मिल जाते हैं। प्लस इसके साथ आपको लिनोवो बैग भी देखने को मिल जाता है, जो कि लैपटॉप बैग है। अगर उसमें उसके में बजट रेंज की बात करूं, वो आपको 2000 के बजट में देखने को मिलता है। तो यार लैपटॉप का प्राइस हो जाता है 35,000। प्लस भाई अगर आप SBI या HDFC कार्ड यूज़ कर लेते हो, आपको 5% या 10% ऑफ भी देखने को मिल जाता है। तो यार लैपटॉप का प्राइस और भी कम हो सकता है, ये आप पर है, आप ऑफर को लेते हो कि नहीं लेते। ठीक है, अगर आप ऑफर को ले लेते हो, आपको 5% जो है मतलब 5000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके लिए सच में प्लस पॉइंट आ जाता है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या नहीं देखने को मिलेगा।
तो स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं, तो आपको 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो यार मैं जितने भी आपको लैपटॉप बताऊंगा सभी में आपको 16 रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात करूँ i3 देखने को मिलेगा, आप 10th जनरेशन की और भी जा सकते हो, आपको 11th जनरेशन की और भी जा सकते हो, आप देख लेना जो भी आपको प्रोसेसर चाहिए आप जा सकते हो, लेकिन 11th जनरेशन लेटेस्ट प्रोसेसर है, अगर आप उसके और चल जाते हो आपके लिए ही गुड डील होने वाली है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको अपग्रेड कर सकते हो 12GB तक, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिलेगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात उनको विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको MS Office देखने को मिलेगा 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूँ आपको 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको 37,000 के बजट में लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया लिनोवो लैपटॉप के। तो यार अगर आपका बजट कम है, कम प्राइस रेंज में आप एक अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हो, आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकता है लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i प्लस। मैंने जो लिंक है वो प्रोवाइड किया हुआ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना अगर आप इस लैपटॉप की ओर जाना चाहते हो, बहुत गुड डील हो जाएगी आपके लिए। आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पे यार मैंने रखी है असूस व्यूबुक अल्ट्रा 15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ सबसे पहले इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे हैं, प्लस यार स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है, आपको डिज़ाइन लुक वगैरह बहुत प्यारी लगने वाली है, प्लस भाई इसके स्पेसिफिकेशन भी बहुत तगड़े। इसके प्राइस रेंज की बात करूँ आपको 41,000 के बजट में ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। मैं आपको दिल से रिकमेंड करना चाहता हूँ भाई, अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था असूस व्यूबुक अल्ट्रा 15 को, एक बार आप इसको चेकआउट ज़रूर करना। एंड ये 2020 मॉडल है तो आप देख लेना, लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, चेकआउट कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करूँ आपको 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i3 11th जनरेशन के साथ मिलेगा। स्टोरेज की बात उनको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप कर सकते हो 16GB तक, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात उनको विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको MS Office भी मिल जाएगा 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूँ आपको 6 to 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस भी आपको 41,000 के बजट में असूस व्यूबुक अल्ट्रा 15 देखने को मिल जाएगी। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, असूस व्यूबुक अल्ट्रा 15 के भी लैपटॉप बहुत ज़्यादा सही है। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन पर यार मैंने रखी है एसर इंस्पायर 5 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ सबसे पहले भी अगर आपका बजट थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाता है तो भाई मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ आपके लिए बहुत तगड़ी लैपटॉप जो है वो होने वाली है। आपको 45,000 के बजट में स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरी लोडेड मिल जाती है। तो भाई अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, उसके बाद अगर आप नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करना चाहते हो, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, एंड इन 2021 में आप बजट फ्रेंडली जो है वो लैपटॉप लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत गुड डील हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो थोड़ा सा कर लेना, बिकॉज आपको स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े मिल जाते हैं। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात आपको 14 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS पैनल डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात आपको i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको NVIDIA GeForce MX350 देखने को मिल जाता है जो कि 2GB के साथ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ आपको 8 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात उनको 45,000 के बजट में ये स्पेसिफिकेशन के साथ Acer Inspire 5 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, प्लस मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ भाई, सभी के लिंक मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं अगर आपको भाई 45,000 हो जाता है इस बजट रेंज में, Acer Inspire आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। अगर आपका बजट 41,000 है तो उसके ऊपर भी नहीं जा सकता, उसके नीचे भी आप नहीं जाना चाहते, तो Asus VivoBook Ultra 15 आपके लिए गुड डील हो सकता है। एंड अगर आपका बजट यार 40,000 से कम है तो ज़्यादा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i जो है वो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना, ऑफिस के वर्क के रिलेटेड चाहिए, स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप नॉर्मली कर सकते हो, लेकिन मैं आपको गेमिंग नहीं कह रहा, जो ग्राफिक कार्ड आपको इतना तगड़ा नहीं मिलता, एंड प्रोसेसर इतना भी आपको तगड़ा नहीं मिलता, मतलब आपको i5 चाहिए अगर आपने गेमिंग करने का, 2GB ग्राफिक कार्ड तो यार मिनिमम होना ही चाहिए ना। सो दैट्स व्हाई मैं आपको नहीं कह रहा, आप कर सकते हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो रैम है उसको अपग्रेड कर लेना जो कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा सही हो जाएगा। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। तो यार अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों को भेज देना। सॉरी यार मैं थोड़ा सा पहले भूल रहा था, बिकॉज यार मैं रात के 2 बज गए हैं वीडियो कर रहा हूँ तो नींद भी आ रही है, तो सो दैट्स वाई ऐसा हो जाता है, तो उस चीज़ को इग्नोर कर देना। तो अभी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू ब्रो।